बंधु आचार्य प्रवर भगवत युगन स्वामी ग्रंथराज परमा प्रकाश जी में तू ज्ञायुक्त स्वामी भगवान आत्मा के सहेश रूप की व्याख्या कर रहे हैं। रमणीय दिव्य पदार्थों के मिलने पर भी जिन्होंने सबका त्याग कर दिया वे परम योगेश्वर पिछे कमंडलों से क्या राग करेंगे, और यदि पिछे कमंडलों शिष्य शिष्याओं से यदि राग कर रहे हैं तो आचार्य महाराज ने कहा अजीर्ण होने पर औषधि का सेवन किया जाता है। औषधि इतनी मधुर थी कि वो औषधि को ही भरपेट खाने लगा और औषधि से अजीर्ण होने लग गया। अब क्या उपचार होगा? पिछे कमंडलू संसार के मोह से हटने के लिए, संसार की स्थिति को छेद करने के लिए परम योगी पिच्छे कमंडलू को स्वीकार करते हैं, शास्त्र को स्वीकार करते हैं। यदि पिच्छे कमंडलू शास्त्र में ही राग करने लग गए तो यूँ मान के चलना चाहिए कि औषधि को निरोग होने के लिए स्वीकार किया गया था और औषधि से ही निरोग होना प्रारंभ हो चुका। अत केनापि अब कोई जीव दीक्षां गृहीत्वा, किसी जीव ने दीक्षा को धारण किया, सभी दीक्षार्थी सुनो ध्यान से मनोज भाई, दीक्षां गृहीत्वा दीक्षा को धारण करके सरोलुंचनम और सिर के बाल नुचवा लिए, सुनाई पड़ रहा है पंडित जी? दीक्षा को धारण करके सिर के बाल नुचा करके कृतम सर्वसंग प्रत्याह अकुर्वताम भस्म लगा करके बाल तो खिंचवा लिए परंतु परिग्रह का ममत्व नहीं छोड़ पाए। वही घर के मकान, वही घर की दुकान, कौन से बेटे को कितना देना कितना लेना है, और समय समय पे पूछ रहे हो क्यों भाई सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तुमने बाल नुचाले पर राग नहीं लोच पाए, क्या करें यहाँ पर आचार्य महाराज? कि अहो ज्ञानी, तुमने बालों का लुंचन तो करा लिया राजेश, लेकिन परिग्रह का लुंचन हुए बिना बालों के लुंचन मास से यदि मोच मिलता होता तो सुअर को, भेड़ को, ऊंट को, इन सबके बाल खींचते हैं, इन सबका मोच हो जाएगा। लवकुश, इसलिए बाल खिंचाने मांस से मोक्ष नहीं मिलेगा, बाल खिंचवाने के साथ राग भी खींच के फेंकना पड़ेगा तब मोक्ष मिलेगा। सर्वशृंग परतगुरुवन वंचतम इति नृपति, जिस जीव ने केशों का लुंचन करा लिया लेकिन परिग्रह नहीं छोड़ा और परिग्रह बढ़ता चला जा रहा है, जो व्यापार जीवन में नहीं किया था आपने वो व्यापार अब तुम मुनिराज बन के कर रहे हो, भूमि भी खरीदवाओगे, धन भी खरीदवाओगे, कपड़े भी बेचवाओगे, दुकानें भी चलवाओगे, दुनिया के आडंबर में तुम लिप्त हो चुके हो, मालूम चला कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया, बाल लुंचन करते करते वर्षों निकल गए पर परिग्रह का लुंचन आज भी नहीं कर पाए। इसलिए भगवान कह रहे यहाँ पर जिन जीवों को मोक्ष चाहिए है उन्हें केश लुंचन के साथ साथ परिग्रह का भी लुंचन कर लेना चाहिए, नहीं तो मालूम चला अंकुर पहले एक सामग्री से काम चलता था, वो तो मान जब चार लग गए बोले कि एक कमर के अंदर 50-50 मोबाइल घुसे हुए हैं, अब कह रहा मैं मोक्ष मार्गी। घर में होता ना तो इतने कीमती मोबाइल नहीं मिलता, यह समाज के द्रव्य के मोबाइल
और कितने कितने सामग्रियां चाहिए आपको, सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हो, फिर भी लोग नमोस्तु तुम करवा रहे लोगों से, ये मायाचारी का दोष लगेगा। ये आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य कह रहे हैं, आचार्य योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, जिस मार्ग पर तुम चले हो उस मार्ग के अनुसार जीना पड़ेगा। कीड़ भी अपुंचियो सेलुन चारे सेलवी संग परेवी जिणवलिंग धरे। 90 नंबर के अद्वा सूत्र यहाँ द्वितीय महाधिकार के मध्य में आचार्य योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, कीड़ भी अपुंचियो, कोई एक जीव ज्ञानियो समझो राजेश, आचार्य भगवान कह रहे हैं कोई एक जीव अपनी आत्मा की वंचना करने चल दिया। देखो भैया, जो जो मोक्ष मार्ग में लग चुके हैं वे संभले, जो लगने जा रहे हैं वे सुन लें कि इस स्पर्धा इस बात की नहीं होना चाहिए कि मेरे के सुरंचन होंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा, इस स्पर्धा इस बात की होना चाहिए कि मेरा राग द्वेष छूटे, मैं भगवान बन जाऊं। भगवान बनने की स्पर्धा भी करोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे, और स्पर्धा तो किसी की भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आस्था होना चाहिए। निर्विकल्प सागर जी सुनाई पड़ रहा ना, तो यहां पर कह रहे हैं कि मैं ज्येष्ठ मुनि बनूं, मैं बड़ा साधु कहलाऊं, मेरे दीक्षा के संस्कार पहले हो जाएं, ऐसा परिणाम करके व्यक्ति ने क्या लिख रहे हैं, छारेण, छार यानी भस्म, भस्म लगा करके पिंडे सागर केश रुंचन तो करवा लिए, तो छारेण लुंचने के अप्पा बच्चू, कोई अपनी आत्मा की वंचना कर रहा है, जिस मार्ग पर हम चले हैं उस मार्ग के अनुसार नहीं जी पा रहे हैं, और लोगों से हम अपनी पूजा करवा रहे हैं, वो मायाचारी का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? सारस्वत जी बोलिए भाई, वो मायाचारी का दोष लगेगा तो पशु किसको बनना पड़ेगा? तो मतलब ये जीव स्वयं की वंचना कर रहा है, शैल संग प्रेरियो लिंग जिनेवर लिंग धरे, जिनेवर लिंग धरे, भगवान जिनेवर देव के लिंग को धारण करके भी यदि परिग्रह सकल पापी संगता ना प्रत्यक्षता संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं कर रहा है, ऐसा जीव जिन दीक्षा को धारण करके भी संसार में ही भटकेगा। केनापि आत्मा वंचितः, कोई आत्मा वंचना प्राप्त किम कृत्वा, क्या करके, सिरसि लुंचनम कृत्वा, सिरसि लुंचनम कृत्वा, सिर के लोंचन करके, केन किसके द्वारा, भस्मनहा भस्म के द्वारा, राख लगा लगा करके बाल तो नोच लिए। ए बोले, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे मुड़िराजों को ऐसा देख के कहने लगो, तुम्हें अपने आप से कहना है, भस्म लगा करके बाल तो लोच लिए लेकिन राख की भस्म नहीं कर पाए। राकेश साहब, भस्म लगा लगा करके, भस्म लगा लगा करके, भस्म लगा, बाकी कहा है सब ज्ञानी, भस्म लगा लगा करके बाल तो नचवा लिए, बाल तो नोच लिए, लेकिन वही राग देश अंकुर, वही राग देश तुमने क्या किया, क्या किया? जैसे भस्म लगा करके हम बालों को खिंचवा रहे हैं, बालों को खींच रहे हैं, ऐसे राग की भस्म करके उड़ा दो, देश की भस्म करके उड़ा दो, तब तो तुम मोक्ष मार्गी हो, अन्यथा एक परिवार भी छूटा और मोक्ष मार्ग भी नहीं बन पाए जैन सागर जी। एक घर का राग छोड़ा नहीं पाया जीप, और लाखों घर बना के बैठ गया मठ मंदिर के नाम पर, तुम्हारा राग तो वहीं टिका हुआ है। ओ मित्र, अजीर्ण के भैंसे औषधि खाने गए थे,
अजीर्ण के भय से औषधि साने गए थे भोले के सारे ज्ञानी, अजीर्ण के भय से भस्म नहीं लाए, अजीर्ण के भय से औषधि खाने गए थे, लेकिन औषधि इतनी मीठी निकली, इतनी मीठी निकली, उसे ही खा के अजीर्ण हो गया। मतलब मोक्ष मार्ग में इतनी पूजा, इतनी प्रशंसा मिली और धनपतियों ने धन लुटाना शुरू कर दिया और मठ के मठ, गिरी के गिरी, उदय के उदय सब बनना प्रारंभ हो गए। मालूम चला कि राग छूट ही नहीं पा रहा है, वही वही जीव घूम रहा है, वही वही जीव घूम रहा है। हे मित्र, तुमने क्या किया केश रुंचन करके? ओ चैन वाला भैया, सुरहग्नि, कहीं बेराग हो जाए ना तो ये मत कहना भाई में मेरी चेन हमारी पिच्छी में लगाए रहेंगे। अभी तक चेन गले में पहनते थे और उस चेन की सोने की माला बनवा के हम पिच्छी में टांगे रहेंगे। ओ ज्ञान, तुमने क्या किया जो गले में टांगे तो पिच्छी में टांग लिए, राग तो तुम मिटा ही नहीं है। भैया दीक्षा लोगे कभी? दीक्षा लो ना तो आज तुम एक नियम ले लो, सोने चांदी मड़ी मोतियों की माला कभी पिच्छी में नहीं टांगे, ले लो नियम पक्का, ठीक है? जब भी महाराज बनेंगे इस सोने चांदी की मालाएं पिच्छी में टांग के नहीं घूमेंगे, कमल जाप कर लेंगे, ठीक है? और जितनी तुम बड़ी बड़ी कीमती माला रखोगे मित्र मित्र, उतनी राग बढ़ेगा। और राग बढ़ेगी, घूम गई ना तो उतनी रोना पड़ जाएगा। मालूम चला कि महाराज जी बैठे बैठे फुसफुसा रहे तो रो रहे थे, बोले काम को, बोले सोने की डिबिया रखी थी, सोने की माला चली गई हमारी। बैठ जाओ भैया। ओ बोले कितनी माला रखे सोने की? इसलिए समझो यानी मन तो कहता कोई दे जाए कि ना पी। ओ हो भस्माम भस्म लगा करके कस्मचित यथा सर्वेपी संगम न परिहृत्ता। मतलब केश लुंचन तो कर लिए लाख लगा करके, परंतु सभी परिग्रह का त्याग नहीं कर सका जीव। कतम भूतवा क्या करके, जिनवर लिंग धरने के, जिनवर देव के लिंग को धारण करके भी तथ्यथा वीत्रांग निर्विकल निजानंदेक रूप, वीत्रांग निर्विकल निजानंदेक रूप सुख रसास्वाद, सुख के रस के आस्वाद से प्रणत परमात भावना स्वाभिने, परमात भावना के स्वभाव से तीक्ष्ण शस्त्रोपकरण, तीक्ष्ण शस्त्र के द्वारा बाह्य अभ्यंग परिज्ञ आकांक्षा रूप प्रवृत्ति समस्त मृत कल्लोल माला रूप सभी अंतरंग परिग्रह रूप इत्यादि समस्त मनोरथ कल्लोल माला त्याग रूपम मनोमुंडनम पूर्वम कृत्वा। हार्दिक हार्दिक भाई, भस्म लगा करके बाल तो खिंचवा लिए पर राग नहीं खिंचा, तो बेटा निज आत्मा की वंचना है। इसलिए सबसे पहले भस्म लगाने के पहले आचार्य भगवान क्या कह रहे, सुनिए ध्यान से। अंतरंग वैरंग परिग्रह आकांक्षा रूप समस्त मनोरथ कल्लोल मालाएं, अभी हमको दुबई जाना है, अभी हमको गोवा जाना है, अभी हमको घूमना है, हमारी दीक्षा में ऐसे ऐसे सुब्रत सागरी बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनना चाहिए है। ओहो ऐसे परिणाम चल रहे हैं, वो बिनोली अच्छे से अच्छे बढ़िया निकलना चाहिए, बालक समझ, और अभी भी तुझे इंदौर का राग लगा है। तो महाराज क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, मनोमुंडनम पुकरु। अरे मित्र, पहले मन का मुंडन कर। पंडित जी निहाल चंद जी, जितने संकल्प विकल्प हैं और जिन निमित्तों संकल्प विकल्प हो रहे हैं उन सबका पहले मुंडन करना अनिवार्य है, अंतर दीक्षा विफल हो जाएगी। वही चिंता वही चिंता वही चिंता लगी रही, अब बेटे कैसे होंगे, बहुएं कैसी होंगी, और हमारे मनोज भैया बोले अभी तो महाराज जी पोता हुई है उसको और खिला लेते को थोड़े दिन। मालूम चला हाथ में माला वो गोदी में पोता खेल रहा है, यानी नाती पोते खिलाने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, मन को मनाने का नाम मोक्ष मार्ग है।
ओ तू वो बेटा है ना, वो तुम्हारी परीक्षा करने आया है कि तुम वास्तव में वैरागी हो कि रागी हो। पंडित जी, न्याल पंडित जी, जितने संकल्प विकल्प हैं जीवन में, फिर कुछ करने का विकल्प ना बचे। अंतिम श्वास में मात निज आत्मा का ध्यान हो, आत्मा का ध्यान नहीं कर पाओ तो परमात्मा का ध्यान हो, कोई तीसरा ध्यान हो ही ना, उसका नाम जिंदीक्षा है। इसलिए हार्दिक जैसे लोगों से ज्यादा कह रहा हूं, युवा अवस्था है, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा। कोई भी व्यक्ति तुमको शादी कर दे अपनी कन्या से, इसके बाद बेटा दीक्षा के बाद मुक्ति कन्या ही निहारना, फिर कोई कन्या को मत देखना, ये मोक्ष मार्ग है। बाकी कहाँ है ज्ञानी? अब तो परमात्म प्रकाश मूलाचार में प्रतिदिन बैठना, आपको भस्म लगा करके बाल खींचना मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं तो हार्दिक अभी निकल चुका विषय, भेड़ के भी बाल खींचते हैं बेटा, सुअर के भी बाल खींचते लोग, ऊंट के भी बाल खींच देते हैं, ये बाल खींचना नहीं है। एक केश लुंचन है, कर्म लुंचन के लिए, राग लुंचन के लिए। पूर्वम मनोमुंडनम पूर्वम कृत्वा जिन दीक्षा रूपम श्रो मुंडनम कृत्वा, मन का मुंडन करके जिन दीक्षा रूप सिर का मुंडन करा के केनपि आत्मा वंचता, फिर भी कोई आत्मा वंचित वंचना करे तो कस्मात? जब मन का मुंडन कर ही लिया, फिर केश लुंचन कराया है, अब आत्मा की वंचना कैसे हो सकती है? सर्वसंग प्रत्याग अभावाति, संपूर्ण परिग्रह के त्याग का अभाव है जिनके, वे लोग मन के, वे लोग अपनी वंचना कर रहे, स्वयं की आत्मा को ठग रहे हैं। जो देश देशभक्ति पहले कभी नहीं उमड़ी, देश विकास कभी नहीं उमड़ा, समाज विकास कभी नहीं उमड़ा, अब तुम्हें आत्मा का विकास का काल, तब तुमको देश का विकास दिख रहा है। अरे देश विकास करने वाले नेता बहुत ही ग्रस्त, वे कर लेंगे देश का विकास, समाज के विकास के लिए बहुत है, समाज के नेता कर लेंगे समाज के विकास, पर तुम्हें चिंता सता रही है जो आत्मा का विकास करने निकले थे, अंत में पाए गए वहीं, पाए गए वहीं जहां से चले थे। लव कुश बेटा, कभी मुनि दीक्षा के परिणाम हो, फिर मत कहना मैं पश्चिम बंगाल के समाज का विकास करूंगा, कि मैं कलकत्ते का विकास करूंगा, कोई उत्तर प्रदेश का साधु बन गया मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के विकास का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, आठ प्रदेशों के विकास का नाम मोक्ष मार्ग है। सत्य है, आत्म तत्व जब झलकना समाप्त हो जाता है, आदमी को दिखना बंद हो गया, वो तो मैंने एक दिन आपसे कहा था अंधा नांग, याद है? अंधा नांग चेनमन भी, अंधा नांग सांप, उस सांप जो है अंधा था, वो बेचारा जा रहा था, उसको बिल नहीं दिखता तो दीवाल दीवाल में फड़फटकता है, बिल दिख जाता तो अंदर चला जाता। ऐसे जिस जीव ने मोक्ष मार्ग में आकर के मुनि दीक्षा को धारण करके जो स्वानुभूति का बिल था उसमें प्रवेश करना चाहिए था, उस बिल में प्रवेश नहीं कर सका, इसलिए पत्थर पत्थर ईंट ईंट पर फन पटक रहा बेचारा, अब उसको लोक का विकास दिखाई दे रहा है। निर्गन सागर जी, नाम तुम्हें मालूम तुम्हारा क्या है? निर्गंत सागर जी, कभी विचार बने ना उसका प्रत्याख्यान आज ही कर देना। ये आप सोचो मैं मालवा केसरी बनूंगा और मालवा का विकास करूंगा मिलकर के हार्दिक के साथ, इसलिए ऐसा विकास नहीं करना। मालवा का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, दक्षिण का विकास, पश्चिम का, पूर्व का विकास, इन विकासों के लिए निगंत मुनि नहीं बना जाता है। मध्य प्रदेश नहीं, आत्मा के मध्य प्रदेश में रह करके निश्चेतन भगवान आत्मा का विकास करने का नाम दिगंबर दीक्षा है। ओहो, देखो मनोज भैया काला जी का चेहरा देखो, बेचारे ऐसे हो गए बेहोश जैसे। काला जी यही सत्य है,
और जब तक हुआ ये है कि लोगों ने आगमों की व्याख्याएं बंद कर दी, प्रवचन बाहर के देना प्रारंभ कर दिए हैं, दान चंदा की बातें प्रारंभ हो गई हैं, आगम की व्याख्याएं समाप्त हो गई। बोले क्यों, ये व्याख्याएं कर देंगे तो चंदा कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? घंटों घंटों चंदे की व्याख्या चल रही है, जबकि मोक्ष मार्ग ये है ज्ञानी, आपको कि अध्यात्म दिखाई नहीं देता, अध्यात्म दिखेगा कैसे? ये पिंडे सागर जैसे मुनि ही अध्यात्म नहीं दिखाएंगे, यही कहें कि भैया भवन बना लो, इसे ही मोक्ष मार्ग है, तो बेचारे श्रावक सोचेंगे महाराज जी ने भी घर छोड़े किया क्या? अंत में हम घर अपने रहने घर बनाते थे, ये जगत को रहने के लिए घर बना रहे हैं। मित्र, घर बनाने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्म प्रसाद में लीन होना मोक्ष मार्ग है। हो यानी बराबर बसा बैठो किनपी संग प्रत्यागा कस्मात् अतिदम व्याख्यातम अतिदम व्याख्यम ज्ञात्वा, इस व्याख्यान को जान करके सुशुद्धात् भावनोत्थ शुद्धा भावनोत्पन्न वीत्रा परमानंद परिग्रह कृत्वा वीत्रा परमानंद परिग्रह करके जगत त्रय काल त्रय जो वीतरांग परमानंद है उसी परमानंद को ग्रहण करके जगत्रे काले त्रेपि तीनों लोक में तीनों कालों में मन वचन कायी मन वचन काय के द्वारा कृत कार्यमुदेश और कृत कार्यमुदना से दृष्ट श्रुत अनुभूत बोले देखे हुए सुने हुए वो अनुभव किए हुए ये व्यक्ति तीन के ही चक्र में तड़प रहा है, या तो पापों को देख करके उसकी दृष्टि जा रही है, पापों को जान करके दृष्टि जा रही है, और पापों का वेदन करने से दृष्टि जा रही है, अथवा सुन करके जा रही है। तुम बुद्धिपूर्वक उन चित्रों को देख रहे हो जिनसे चारित्र नष्ट होता हो, बुद्धिपूर्वक उन गानों को सुन रहे हो जिससे मन कषायिक विकारों से भर रहा हो, बुद्धिपूर्वक ऐसी उन्हीं विचारों को बेचारा सोचता है जिन विचारों आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो दृष्टो श्रुतो अनुभूत, देखे हुए सुने हुए अनुभव किए, ये तीन जो स्थान है इनके कारण जी बार 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 मोह में लिप्त हो रहा है। मोक्ष मार्ग में तपस्या करोगे तो कष्ट तो होगा निसंग सागरी, कभी पानी कभी धूप कभी ठंडी, सभी ऋतुओं के बीच में तुमको जीना है। मौसम मौसम का बदलता रहेगा पर समता का मौसम नहीं बदलना चाहिए, वो विदेश क्षेत्रवत होना चाहिए। फिर से कहूँ, भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता रहता है, मौसम बदलता रहता है, लेकिन विदेह में क्या है, हर समय चतुर्थ काल रहता है। विदेह क्षेत्र में प्रति समय चतुर्थ काल ही रहता है। यहाँ विषय पकड़ने में क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि मौसम का मौसम बदले, जैसे विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल का अभाव नहीं होता, ऐसे बाहर के मौसम बदलते रहें पर मूलराज की समता का मौसम विधेय के समान होना चाहिए, वो कभी नहीं बदलना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जेंद्र सागर है, जेंद्र सागर महात्मा जी, विधेय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता काल का, वहां पर हर समय चतुर्थ काल होता है, और विधेय यानी शरीर से रहित होना, विदेह क्षेत्र में हर समय मोक्ष होता है, इसलिए उसका नाम विदेह है। मालूम, ऐसे ही ऋतु बदले मौसम बदले सब बदलता रहे, ठंडी पड़े गर्मी पड़े बारिश हो, लोग गुस्सा करें गाली भी दे जाएं, हाथ पैर को चोट भी लगा जाएं, तब भी हमारी समता का मौसम नहीं बदले तो मेरी आत्मा ही विदेह है। मैं विदेह क्षेत्र में होने से मोक्ष नहीं जाऊंगा,
विदेह क्षेत्र में होने से मोक्ष होता होता तो जितने विदेह क्षेत्र में लवकुश सभी का मोक्ष हो जाना चाहिए। विदेह क्षेत्र बहिरंग निमित्त है, लेकिन अंतरंग का विदेह आत्मा के जो विशुद्धि है वही हमारा विदेह है, वही हमको मोक्ष भेजेगा। कितना रहस्यमयी व्याख्यान लिखा आचार्य महाराज ने। इसलिए दृष्ट श्रुत अनुभूत विपरीत परिग्रह आकांक्षतम और उससे विपरीत जो शुद्धात्मा की भूति अनुभूति, उस अनुभूति से विपरीत परिग्रह की आकांक्षा, उस परिग्रह की आकांक्षा त्यक्तुम इति अभिप्राया, परिग्रह की आकांक्षा का त्याग करूं ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। अत्ये सर्वसंग प्रत्यागम जिनलिंगम कृत्वा, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके जिन दीक्षा को धारण करके इष्ट परिग्रह गृहणपि। ओहो हो यशोधर जी है क्या बेटा, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और यहां तक आज से मेरा नीरस। और दो चार दिन के बाद व्यक्ति को मालूम चला, अरे कैसे जी पाऊंगा, फिर छेना प्रारंभ हो गया, रबड़ी प्रारंभ हो गई। ओ मित्र तुमने क्या किया, क्या किया, अब पाटे गढ़ने लग गए तो गद्दे छोड़ दिए थे। ओ ज्ञानी क्या कर डाला, पुनः चटाइयों का गद्दा बनाना प्रारंभ कर दिया क्या। आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं कि पहले तुमने छोड़ दिया, जितने माता बहनें भाई बंधु यहाँ बैठे ना, कोई भी नियम लो, सनई सनई विवेक पूर्वक अभ्यास करके नियम लो, आज तुमने नियम लियो कल तोड़ दिया। आचार्य भगवान क्या लिख रहे मालूम, छर्दिम कृत्वा, छर्दी जानते छर्दी, छर्दिम कृत्वा यानी कि बमन करके, उल्टी करके बमन करके छर्दिम कृपुनरपी पिलंपति, उसको फिर से चाटने लग गया। छर्दी करके बमन करके आसे फिर से चाटने लग गया, ये कह रहे हैं यहाँ पर। जीव ने बमन किया, बालक बमन किया, बमन किया, बमन किया, बहुत दुर्गंध आ रही थी, लोग उस उल्टी को देखकर भाग गए, भाग गए। ओ काला पुत्र, लोग छोड़ छोड़ के भाग गए, बोले बहुत दुर्गंध आ रही है। पर श्वान ऐसा विचित्र बिचारा, जिसको उसने बमन किया था उसे ही चाटना प्रारंभ कर दियो। ऐसे ज्ञानियों जो संयम को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके जिन लिंग को आराधना करके अथवा जितने अपने ऊंचे संयम को लेकर के पुणे घर की ओर मुड़ रहा है, पुणे परिग्रह जोड़ने के लिए जा रहा है, मित्रों बमन करके चाटने को जा रहा है, वह इंसान की जाति का परिणाम नहीं उसके पास, स्वान की जाति का परिणाम आ गया उसके पास। ओ धिक्कार हो, धिक्कार हो। घर में सोना नहीं ले पाए अंकुर, चांदी नहीं खरीद पाए बेटा, अब यहाँ के सोने को पेन चाहिए, भोले भैया को सोने को पेन। ओहो हो, बमन करके चाट रहा है, पहले अंगूठी छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, अब मालूम कर रहा, अब हमको घास लेट चाहिए, घास लेट। अरे सुनो, मुझे मालूम है उसका नाम दूसरा है, सुनो लवकुश क्या होता है, बिलास लेट, लेकिन मालूम घास लेट। बोले घास लेट क्यों बोल रहा है, मुझे मालूम है मैं घास लेट बोल रहा हूँ। बोले घास लेट क्यों, ओहो हो जो छोड़ के चाटता उसे पशु तो बनना पड़ेगा, घास ही तो चाटना पड़ेगी, वो हाथ में ब्लैंस लेट नहीं घास लेट है, घास लेट। ओहो घास लेट अंकुर, अब पेन के बता ना वो घास लेट, नहीं तो मैं कहूंगा वो ब्लैंस लेट नहीं है घास लेट। बोले क्यों, जो सबको चूरने के बाद फिर से स्वीकार कर लिया है कि भविष्य का पशु बन गया है। बुरा तो नहीं लग रहा, तुम रवि को बुलाओ ना। ओहो संगम प्रतिज्ञा, परिग्रह को छोड़ करके जिन लिंगम कृत्वा इष्ट परिग्रह ग्रहणते
ईश्वरी गुरु ग्रहण करते छर्दिम कृत्वा बमन करके विलंपति तमे प्रताति कहते हैं जी जन लिंग धरेव मुड़ी इट्टी परिग्रेलिंग छन्यम क्रीवन जेजिया सोपुन छद्दिगिलन इक्यानवे नंबर का द्वा सूत्र है। जे जन लिंग धरेव मुड़ी जो जीव मुनि मुद्रा को धारण करके सब कुछ छोड़ दिया इसके उपरांत इट परिग्रह पुनः परिग्रह को स्वीकार कर रहा है छद्यम क्रीवन बमन करके तेजा पुण छद्य गिलंती पुणे छद्दी को गिलंती 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 निगल रहा है हार्दिक सुध रहा है कि नहीं निगल रहा है। विपुल को और बुला लेते भाई छद्यम क्रंती निगल रहा है। आज जितने मुनिराज हैं देश में जितने बनने वाले हैं देश में सबको ही इक्यानवे और नब्बे नंबर का द्वा सूत्र पढ़ना चाहिए। उन्हें मालूम चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं कर क्या रहे हैं कर क्या रहे हैं। पढ़ नहीं पाए तो सुन ले कम से कम कि ओहो जीवन में क्या कर रहे हैं। बमन करके चाट रहे बमन करके चाट रहे हैं। घर के पिताजी के पास कौड़ी नहीं थी यहाँ करोड़ों पर खेल रहे करोड़ों पर खेल रहे बमन चाट रहे ओहो हो बोला। मैं उत्तर दक्षिण भारत गया जहाँ जहाँ आचार्य मुनियों के गाँव थे एक एक गाँव गया मैं ये देखने के लिए इन घर की स्थिति क्या थी। जितने मुनि ज़्यादा नाटक करें उनके घर जाना चाहिए देखने। बोले महाराज समाज में इतना तुम नाटक कर रहे हो तुम्हारे घर में क्या था झोपड़िया इसलिए झोपड़िया और मालूम ज़्यादा ये नहीं चलता ये चलता मुझे अच्छा खाने को चाहिए तो उनके घर में बड़े प्रेम से जाना। बोले आज तो महाराज जी के भैया के घर में खाना खाएंगे फिर देखना कौन सी चटनी चाट रहे। हर व्यक्ति को अपने घर के भोजन की भी याद रखना चाहिए जिससे कि तुम यहाँ राग द्वेष ना फैला पाओ। वो घर में बहुत अच्छा खाना बनता था तब भी ध्यान रखो उसकी याद करते रहेंगे तो मित्र साधना कब करेंगे नहीं तो याद आएगी फिर। वो राकेश शाह ना इंदौर का पूरे आग तो राकेश शाह घर के भोजन की याद आ गई इतना सुंदर मत बनाओ कि महाराज घर के खाने की याद आ जाए। इतना खराब भी मत बनाओ कि बेचारे की आंखों में आंसू आ जाए। ओह पीयूष बमन करके चाटने वाले जगत में स्वानी होते हैं इंसान नहीं होते। बिरी भाई तुम जान के लेट आ रहे हो भस्म लगा करके केश लोचन करने वाले मोक्ष मार्ग नहीं है। परिग्रह का राग का त्याग फिर घर जाना फिर घर जाना फिर घर जाना। अरे अनंत बार घरों में गए हैं एक बार निज घर आ जा निज घर। ये कुटुंब परिवार तो बहुत यात्रा अनंत बार किए निज आत्मा की यात्रा स्वयं ही कर सकता जी। ओ आपका समय हो गया कल फिर आओगे परे तो कल ये इक्यानवे नंबर के दोहा सूत्र की व्याख्या करेंगे अच्छे से ठीक है। कल मिलते हैं आपसे यदि पर्याय रही तो। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न महावीर स्वामी की नमो।